अभी बस मम्मी ने फोन करके ले गाली दिया मेरे को, बहुत भारी गाली दी। वीडियो बनाने बैठती है ऐसे काम आंटी जैसे बढ़ जाती है, बाल भी एकदम क्या बोलते हैं अम्मू अम्मची कट्टी जैसा पूरा उठा के अंबोड़ा डाल के बैठ जाती है। बोल के देना ऐसे नहीं मम्मी, सबको ऐसे नेचुरल लुक पसंद है, इसलिए मैं नेचुरल नेचुरल रह रही हूँ, जैसे घर पे हूँ ऐसे काम आंटी जैसे। वीडियो पे भी होते वो चिल्ला रही थी, एटलीस्ट इयररिंग डाल सकती है, स्किन का क्या हालत करके रखा है, स्किन केयर नहीं करती। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं पार्लर जाती ही नहीं, मेरा पार्लर मेरी एक आंटी है श्रीजा आंटी बोल के मुंबई में, जब भी मैं मुंबई जाती हूँ 3 साल के बाद हो 4 साल के बाद, मैं वहीं से वो आंटी मुझे फेशियल रिशियल करा के देती है, वरना मैं कभी पार्लर जाती नहीं। तो अभी मेरा स्किन सब ड्राई हो गया, तो आंटी मुझे कॉल कर आंटी ने कॉल किया था मम्मी को, एंड शी वॉज कोल्डिंग की ख्याल नहीं रख रही अपना स्किन का, इतना खराब हो गया ये वो सब बोल के। आई हैव टू कम बैक टू नॉर्मल रूटीन, अभी कुछ ना कुछ तो एक होम पैक है, कुछ ना कुछ तो घर पे करने से, क्योंकि बच्चों को लेके पार्लर जाना यार 2-3 घंटा कौन इतना जाके पार्लर में बैठेगा। इसलिए सोचो मम्मी चिल्लाती थी, सोचो गोल्ड का इयर रिंग ही डाल देती हूँ ताकि मुझे बार बार निकालना उतारना नहीं रहेगा, वो इयर रिंग ऐसे रहेगा तो वीडियो करूंगी तो एटलीस्ट कान खाली नहीं रहेगा बोलकर। मुझे लगा था ये लोग सब वीडियो देखते नहीं है, बट रियली पता चल रहा है कि ये सब साइलेंट वॉचेस है, सब लोग वीडियो देखते लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। मेरे चंपी भरे बालों को मैं लटों में कन्वर्ट करने को ट्राई कर रही हूँ, पर ना उसके लिए भी मुझे गाली पड़ेगा, चंपी चंपी बन के बैठी है। होपफुली दिस इज नॉट लुकिंग लाइक चंपी। छोड़ो जैसा है वैसे ही सही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिक्वेस्टेड वीडियो कर रही हूँ माय लॉन्ड्री रूटीन। बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरा लॉन्ड्री रूटीन क्या है, कि मैं क्या डिटर्जेंट यूज करती हूँ, एंड ऑल देर इज नथिंग स्पेशल, नॉर्मल जो सर्फ एक्सेल का डिटर्जेंट आता है वो ही यूज करती हूँ। स्टिल आई विल शो इट इन वीडियो कि मैं क्या क्या यूज करती हूँ एंड कैसे करती हूँ। चक्रे, गिव मी दैट बेडशीट फ्रॉम बेडरूम। इसी मोबाइल में गेम खेलता बेटा, थोड़ा बहुत बीच बीच में काम देगा तो थोड़ा सुकून मिलता है। वीडियो देखे तो गाली देगा मुझे। गो तो निकी टेंडी, आई एम कमिंग, वेट अ टेंडी पार्टी। मैं सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड ये वाला लिक्विड यूज करती हूँ। मैं वॉशिंग मशीन में से लिक्विड ही यूज करती हूँ, डिटर्जेंट यूज नहीं करती। एंड कम्फर्ट डिपेंड्स, हर एक फ्रेग्रेंस मैं चेंज करती रहती हूँ। अभी मुझे गया तो मुझे यही मिला, वरना ग्रीन वाला बहुत अच्छा स्मेल करता है, जनरली वो लेती हूँ। मुझे सारे स्पेशली बेडशीट्स में कम्फर्ट डाले बगैर नहीं चलता, वो एक अच्छा फ्रेग्रेंस रहता है, हम बेडशीट सब स्प्रेड कर देते हैं। ओके ठीक है, चलो वॉशिंग मशीन का ये देती हूँ कि वॉशिंग मशीन का ये क्या है। इफ़ यू आस्क मी हाउ दिस वॉशिंग मशीन इज, मैं बोलूँगी बहुत अच्छा वॉशिंग मशीन है, फॉर दिस प्राइस रेंज बहुत अच्छा है। मैंने ये 27-28 में कुछ खरीदा, मैंने नहीं खरीदा, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया ये, तो मुझे 27-28 ऐसे में कुछ पड़ा ये। बट अगर आपके पास एक्सचेंज होगा, आपको कोई ओल्ड वॉशिंग मशीन देके लेना है, एंड उस पर कुछ ना कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं, लाइक यू बाई फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, ICICI HDFC का कुछ क्रेडिट कार्ड हो तो और 2-3 thousand का आपको वे ऑफ मिलता है, एंड अगर आप एक्सचेंज में लोगे तो आपको और भी वो प्राइस रिड्यूस करके मिलता है। तो दिस प्राइस रेंज में विद सो मेनी फीचर्स ये बहुत अच्छा वॉशिंग मशीन है, एंड ये 10 kg का वॉशिंग मशीन है। मैं आपको इसका फीचर्स दिखाती हूँ क्या क्या है। तो डेली वॉश में आप देख सकते हो 1 आवर के लिए चलेगा ये, यही मैं अगर फंक्शन में चेंज करूँ एक्स्ट्रा रिंस देंगे तो 18 मिनट्स उसका बढ़ जाएगा। ये इसमें फिक्स्ड है, इसमें प्री वॉश नहीं आता, तो हर एक इसमें जैसे आप स्पोर्ट्स डालते हो, स्पोर्ट्स में आप प्री वॉश भी यूज ले सकते हो, एक्स्ट्रा रिंस भी ले सकते हो अगर ये चाहिए, और दोनों चाहिए तो दोनों आएगा। तो इसमें प्री वॉश भी होगा एक्स्ट्रा, तो आपको ये लाइट से समझ में आएगा, प्री वॉश भी होगा एक्स्ट्रा रिंस भी होगा, 2 आवर 90 मिनट्स लगेगा उसको। ओके मीडियम में सॉइल लेवल हाई कर दो तो उसका ये बढ़ जाएगा। सेम वे हम अभी बेबी केयर के लिए लेंगे, मीडियम में ये ऑटोमेटिकली चला जाता है,
तो अगर आपको हाई लेवल या लो लेवल में करना है तो आप उसको सॉइल लेवल पे कन्वर्ट कर प्रेस करके आप उसको जो जैसा ये है उस पर ये कर सकते हो। ओके, इसमें एक्स्ट्रा रिंस का ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ प्री वॉश का ऑप्शन आता है फॉर बेबी केयर। ओके, एंड डेली वॉश के इस पे जाओ। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा रिंस है, प्री वॉश नहीं है, ये भी चेंज नहीं कर सकते। जनरली घर का कोई भी कपड़ा, घर के जो भी कपड़े मुझे वॉशिंग में डालना होता है तो मैं बेबी केयर में डाल के वॉश करती हूँ, ताकि टेम्परेचर भी उसका, वाटर टेम्परेचर भी थोड़ा हाई रहता है, एंड प्री वॉश का एक ऑप्शन उसमें ये हो सकता है, तो इसलिए उसको थोड़ा टाइम सोक करके रख के वो खुद से रोटेट करता रहता है, सोक करके अच्छे से रख देता है हाफ एन आवर, एंड उसके बाद वो वॉश करता है। एंड सॉइल लेवल भी मैं हाई में उसको ये कर सकती हूँ, बच्चे घर पर वो हमेशा खेल विल के ख़राब कर देते करके मैं इसमें रखती हूँ, वरना बेडशीट सब कुछ मैं डेली वॉश में करती हूँ। बेडशीट डेली केयर में वॉश करती हूँ। बाहर जाने के जो कपड़े हैं वो मैं माई साइकिल में डाल के ये करती हूँ, माई साइकिल में मैं जस्ट उसको हाफ एन आवर 45 मिनट्स के इसमें मैंने रखा है। माई साइकिल मैंने उसको 58 मिनट्स के इसमें मीडियम इसमें ये करके रखा है। ये बाहर जाने के कपड़े होते हैं, वो मुझे कुछ ज़्यादा ये नहीं करना, जस्ट ज़्यादा गंदा हुआ नहीं रहता है, जस्ट उसको रिंस करके निकालने का सॉर्ट ऑफ ये मैंने सेटिंग करके रखा है उसको। अभी बेडशीट्स डाल रही हूँ, तो मैं बताती हूँ कि मैं अपना लॉन्ड्री कैसे करती हूँ। कि मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं किस तरह से अपने बेडशीट्स वॉश करती हूँ। मैं लिक्विड डालने के बाद कन्वर्टर सब एक साथ नहीं डालती, जब लास्ट पानी जाता है वो मैंने एक दो वॉश इसका देखा है कि लास्ट मिनट का पानी किस कितने मिनट्स में जाता है, तो आई नो इसका लास्ट पानी कुछ 20 मिनट जब रिमेनिंग होता है तब ये लास्ट पानी ये करता है, तब भी मैं उसमें कन्वर्टर डाल के देती हूँ, तब भी कम्फर्ट डाल के देती हूँ, तो अच्छा वो स्मेल रह जाता है। अगर हम पहले ही डालते हैं तो बाजू इधर उधर का पानी से गिर के वो कम्फर्ट डाइल्यूट हो जाता है, तो वो इतना अच्छा स्ट्रांग स्मेल भी नहीं देता पहली बात, एंड उसको अच्छा वो फ्रेग्रेंस भी आता नहीं है। अगर मैं वो लास्ट वॉश में ध्यान रख के मैं अलग सा डालती हूँ तो वो पूरे बेडशीट्स में वो बहुत अच्छा स्मेल रह जाता है उसका। आप लोग भी ट्राई करके देखना इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डोंट वरी, बी हैप्पी।